तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के उर्दू के रोशनी के किताब से चैप्टर नंबर 2। याद रहे ये दरक्षा का बुक नहीं है, ये रोशनी का बुक है। रोशनी के किताब से चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, क्योंकि दरक्षा का बुक तो ऑलरेडी कम्प्लीट करा चुकी हूँ, 1x1 करके ऑल चैप्टर को कम्प्लीट करा चुकी हूँ। जो लोग कम्प्लीट किए वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ हम लोग दरक्षा का बुक कम्प्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो फाइनली रोशनी का बुक स्टार्ट की थी, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को पढ़ा दी थी। अब सेकेंड चैप्टर है रोशनी का बुक का, जो कि इसका नाम ही है सेकेंड हैंड। सेकेंड चैप्टर का क्या नाम है? सेकेंड हैंड, जो कि एक कहानी यानी कि अफसाना है। और ये कहानी पहली बार वैक्यू मोहम्मद बशीर ने मलयालम भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में? मलयालम भाषा में, यानी कि ये कहानी मलयालम कहानी है, मलयालम भाषा में लिखी हुई ये कहानी है। किसने लिखा था? तो वैक्यू मोहम्मद बशीर ने। इसी मलयालम भाषा में लिखी हुई कहानी को उर्दू भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया? तो जिलानी बानो ने किया। ठीक है, तो सेकेंड हैंड नाम के इस चैप्टर, इस अफसाने के राइटर मुसन्निफ़ कौन है? तो वैक्यू मोहम्मद बशीर। लेकिन मुतरजिम ट्रांसलेटर कौन है? तो जिलानी बानो। इन्होंने ही मलयालम भाषा से उर्दू भाषा में इस कहानी को ट्रांसलेट किया था, और इसीलिए ये मुतरजिम हो गई, याद रखिएगा। ठीक, और वैसे ये कहानी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास रोशनी का बुक है तो आप लोग इस सेकेंड चैप्टर को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा लंबा भी नहीं है और ज़्यादा टफ वर्ड्स का भी यूज़ नहीं किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आप लोगों को एक बार मैं बोल दी हूँ रोशनी का बुक कंप्लीट करा करूँगी, तो आप समझ जाइए कि ऑल चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। ठीक, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही थी ना, ये आप ये सेकंड चैप्टर आप लोगों को पढ़ने के लिए, खुद से समझने के लिए, कि अगर आप लोग खुद से समझेंगे ना तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा। किसी भी चीज़ को अगर आप लोग रट्टा मारेंगे तो 2-3 दिन तक याद रहेगा, उसके बाद से भूल जाएंगे, फिर से आप लोग को रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी। उससे अच्छा जो आप समय रट्टा मारने के लिए देंगे, वही समय आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए दीजिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो चीज़ समझ में भी आएगी और लॉन्ग टाइम याद भी रहेगा। कितना आसान है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को पूरी कहानी बता देती हूँ। ये अफसाना है, तो इस कहानी में जो किरदार हैं, मतलब इस कहानी में जो कैरेक्टर है, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं, वो है गोपीनाथ, शारदा और शायर। तीन ही कैरेक्टर है इस कहानी में। इस कहानी का जो मरकज़ी किरदार यानी कि मेन कैरेक्टर जो है ना, जिस पर ये कहानी लिखी गई है, वो है गोपीनाथ। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो गोपीनाथ हैं वो अखबार के मुदीर रहते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर के एडिटर रहते हैं, आप बोल सकते हैं मैनेजर, जो कि न्यूज़पेपर यानी कि अखबार निकालने का काम करते हैं। ठीक, ज़रा ध्यान से कहानी को सुनिएगा। ठीक है, तो एक बार की बात है, गोपीनाथ जब अपने ऑफिस से काम करके वापस अपने घर लौट रहे होते हैं, और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई रहती है, ऑफिस में ये लेट कर दिए रहते हैं न्यूज़पेपर निकालने में, मतलब ऑफिस में लेट हो गई रहती है, तो उतना रात को जो है ना गोपीनाथ ऑफिस से काम करके वापस अपने घर लौट रहे होते हैं। तेज हवाएं चल रही थी और बारिश भी एकदम ज़ोर शोर से हो रही थी, और जब अपने घर वापस आए गोपीनाथ, तो क्या देखते हैं कि उनके घर के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी हुई है, और वो लड़की सफ़ेद कलर का साड़ी पहनी है और पूरी तरीके से भींग चुकी है, और शायद वो बारिश से बचने के लिए उनके दरवाजे पर खड़ी है। तो गोपीनाथ क्या किए, आराम से गए और अपने दरवाजे का कुंडी खोलकर अपने घर के अंदर चले गए। ठीक, और गोपीनाथ अपना कपड़ा वगैरह चेंज किए फ्रेश होकर, और फिर देखें कि आखिर वो लड़की है कि नहीं। तो गोपीनाथ देखे कि अभी भी वो लड़की जो है ना दरवाजे पर खड़ी हुई है। तो गोपीनाथ बोले कि एक काम करो, तुम घर के अंदर आकर बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे डरो मत, मेरा नाम गोपीनाथ है और मैं एक अखबार का एडिटर हूँ। ठीक है, तो वो लड़की क्या कि अंदर आ गई, और गोपीनाथ पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो लड़की जो है अपना नाम शारदा बताई। ठीक, क्या बताई? शारदा। उस लड़की का क्या नाम था? शारदा, याद रखिएगा। तो लड़की घर के अंदर आकर बैठ गई, तो गोपीनाथ देखें तो बोले कि एक काम करो, तुम तो पूरी तरीके से भींग चुकी हो, ये लो कुछ कपड़े और जाकर चेंज कर लो। ठीक, तो गोपीनाथ कुछ कपड़े दे दिए, शारदा जाकर अलग कमरे में चेंज कर रही थी, तब तक जो है ना गोपीनाथ चाय बनाने लगे, और जैसे ही शारदा बाहर निकली तो गोपीनाथ उसको चाय दिए, चाय पी और गोपीनाथ भी पी, और उसके बाद से गोपीनाथ बोले कि देखो रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम काम करो जाकर सो जाओ, तुम मेरे बेड पर मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊँगा। ठीक है, तो शारदा क्या की इन्हीं के कमरे में जाकर बेड पर सो गई आराम से दरवाज़ा बंद करके। ठीक, और गोपीनाथ बाहर सोफे पर सोए थे। सुबह हुई, और सुबह होने के बाद शारदा जो है ना मतलब गोपीनाथ उठकर एकदम फ्रेश हो गए थे और जाकर बाज़ार से नाश्ता खरीद कर लेकर आए, और उसके बाद से शारदा भी मतलब फ्रेश होकर मुँह हाथ धोकर और नहाकर ये भी तैयार हो गई, और उसके बाद से दोनों लोग गोपीनाथ और शारदा बैठकर खाना खाए, नाश्ता किए, और उसके बाद से गोपीनाथ शारदा से बोले देखो मैं तैयार हूँ ऑफिस जाने के लिए, तुम कहाँ जाओगी। ठीक, उसके बाद से जो है ना शारदा रोने लगी, इसकी आँख जो है ना आंसू से लबरेज हो गए,
आँख पूरा आंसू से भर गए, बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो गोपीनाथ बोले कि क्या हुआ, तुम घर नहीं जाना चाहती? तो शारदा बोली कि नहीं। तो गोपीनाथ बोले तो तुम इतने मतलब इस वक्त कहाँ जाओगी? तो ये जो लड़की है शारदा, वो बोली कि पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी। ठीक है, ये बात सुनकर और बहुत ज़्यादा मतलब ये रोने लगी शारदा, बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो गोपीनाथ क्या किए, इसकी मतलब इसकी कंडीशन को मतलब इनसे देखा नहीं गया, तो गोपीनाथ क्या किए, शारदा को बैठा दिए और पूछे कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, आखिर बात क्या है, तुम क्यों इतना रो रही हो? ठीक है, तो शारदा बताई कि रात को मेरी मतलब रात को जो है ना मेरा पास के हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ है। तो गोपीनाथ बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हारा पति कहाँ है? ठीक, तो शारदा बोली कि मेरी शादी ही नहीं हुई है। ठीक, तो गोपीनाथ बोल मतलब गोपीनाथ जो है ना शारदा से बोले ठीक तो अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा बच्चा कहाँ है, डिलीवरी हुई तो बच्चा तो होना चाहिए ना। तो शारदा बोली कि बच्चा भी मर गया और बहुत ज़ोर से एकदम फूट फूट कर रोने लगी। ठीक, और गोपीनाथ से कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने माता पिता का बात नहीं मानी और जिससे मैं प्रेम करती थी वो मुझसे मुझे धोखा दे दिया और छोड़कर चला गया, वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो गोपीनाथ पूछे शारदा से आखिर वो लड़का है कौन जो तुम्हें छोड़ दिया? तो शारदा बोली कि वो एक शायर है और उस लड़के का नाम भी बताई, बस शायर बताई मतलब वो एक शायर है, उस लड़के का नाम गोपीनाथ को बताई लेकिन आप लोगों के बुक में नहीं दिया गया है कि उस लड़के का नाम क्या है। ठीक है, तो शारदा जो है ना उस शायर के बारे में बताई कि वो मुझे छोड़ दिया, ठीक है अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं अपने घर भी तो नहीं जा सकती, मैं अपनी मम्मी पापा को क्या मुँह खाऊंगी, और बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। अब गोपीनाथ इसकी हालत को मतलब गोपीनाथ जो है ना शारदा की हालत को मतलब इनसे देखा नहीं जा रहा था, तो गोपीनाथ क्या बोले कि एक काम करो तो मुझसे शादी कर लो और हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। ठीक है, तो शारदा बोली आपसे शादी, लेकिन शादी तो हो जाएगी लेकिन मैं आपसे कभी प्रेम नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो गोपीनाथ बोले अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, शादी कर लो और यहीं पर हमेशा के लिए रह जाओ, ठीक है तुम्हारी ज़िंदगी तो बन जाएगी उस तरह। ठीक है, तो गोपीनाथ और शारदा की शादी हो गई। ठीक है, और शादी हो जाने के बाद मतलब ये नॉर्मली रह रहे थे जिस तरह घर में रहा जाता है उसी तरह, और कुछ दिनों के बाद आप बोल सकते हैं साहित्य सम्मेलन हुआ, एक प्रोग्राम हुआ और जिसमें गोपीनाथ भी गए थे, और उसी प्रोग्राम में वो लड़का गया था जो कि शारदा का आशिक था, वो शायर नाम वो जो एक शायर था वो सम्मेलन में गया था शायरी पढ़ने के लिए। ठीक, और उसमें गोपीनाथ भी गए थे तकरीर देने के लिए। ठीक है, तो गोपीनाथ भी तकरीर दिए, वो जो शायर था जो कि शारदा को छोड़ दिया था वो भी गया था, वो भी शेर व शायरी पढ़ा। उसके बाद से वो प्रोग्राम जो है ख़त्म हुआ, तो गोपीनाथ आ रहे थे, तो वो जो शायर है वो जानता था कि गोपीनाथ की शादी जो है ना शारदा से हो गई है। तो शायर जो है वो लड़का जो छोड़ दिया था शारदा को, वो पूछा गोपीनाथ से, सुना है गोपीनाथ जी जो कि अखबार के एडिटर है उनकी शादी हो गई? ठीक, तो गोपीनाथ बोले कि हाँ मेरी शादी हो गई। तो वो जो लड़का है जो शारदा को छोड़ दिया था शायर, वो बोला कि आप जानते हैं उस लड़की के बारे में पहले से जानते हैं कि नहीं? तो गोपीनाथ बोले कि नहीं मैं नहीं जानता। ठीक है, तो वो जो शायर है वो बोलता है कि आप नहीं जानते उस लड़की के कई मोहब्बत नामे एक लड़के के पास है। ठीक है, तो गोपीनाथ जो है वो बोलता है कि हाँ उसने मुझे बताया है, सब कुछ बताया है। ठीक है, तो शायर बोला कि अच्छा तो फिर ये भी बताया होगा कि वो एक सेकेंड हैंड माल है। ठीक, देखिए चैप्टर का नाम है सेकेंड हैंड। तो गोपीनाथ बोले कि हाँ उसने सब कुछ बता दिया, और उसकी ज़िंदगी को नर्क करने वाले शायर का भी नाम उसने बता दिया, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये बात सुनकर वो तो खुद शायर था जो कि शारदा को छोड़ दिया था वही था। ठीक है, ये बात जैसे ही गोपीनाथ के मुंह से सुना शायर, तो उसके मुंह काले पड़ गए, वहाँ पर चुप हो गया, उसके मुंह ही बंद हो गया। ठीक, और उसके बाद से गोपीनाथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से लौट आए, ये बात वो शारदा को नहीं बताए। और उसके बाद से इसी तरह मतलब चलता गया चलते गया, कुछ दिन बीत गए, तो एक दिन जो है ना गोपीनाथ बोले शारदा से, शारदा देखो कल अखबार निकलने वाला है, आज मुझे काम बहुत ज़्यादा है, आज रात को मुझे बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा, तो एक काम करो खाना मेरा लगा दो। तो शारदा बोली कि मैंने खाना नहीं बनाया, अगर आपको खाना है तो खुद जाकर बना कर खा लो। ठीक है, तो ये बात सुनकर गोपीनाथ चौंक उठे, वो बोले कि अचानक इसको हो क्या गया है, वो पूछे शारदा से अचानक तुमको हो क्या गया है, तुम ऐसा बात क्यों कर रही हो? ठीक, तो शारदा बोली कि आप मुझसे शादी ही क्यों किए? ठीक, तो गोपीनाथ बोले कि आप मुझसे शादी क्यों किए, ये तुम अचानक तुमको हो क्या गया, ऐसे तुम बात क्यों कर रही हो? तो शारदा बोली मैं मर जाती तो अच्छा होता, ऐसे जिल्लत भरी ज़िंदगी मुझसे जी नहीं जाती, और अपना सर पटक कर हाथ पटक कर रोने लगी दरवाजे से। तो जाकर गोपीनाथ उसके हाथ को पकड़ लिए, तो शारदा बोली छोड़िए हाथ, मुझको छुइए मत, मत टच कीजिए मुझको। ठीक है, तो गोपीनाथ बोले कि आखिर हो क्या गया, अचानक तुम्हारा तेवर क्यों बदल गया, ऐसे तुम क्यों बिहेव कर रही हो? ठीक है, तो शारदा बोली कि मुझसे ये ज़िंदगी जी नहीं जाती, ये जिल्लत भरी ज़िंदगी मुझसे जी नहीं जाती है। ठीक है, तो गोपीनाथ बोले आखिर तुमको किसने जलील किया है बताओ,
तुमको किसने बेइज्जत किया है, बताओ हमको। तो शारदा बोली कि आपने आपने मुझको बेइज्जत किया है। ठीक, तो गोपीनाथ बोले मैंने मैंने कैसे। तो शारदा बोली कि हाँ आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, आप जानते थे मेरे बारे में सब कुछ, लेकिन फिर भी आप मुझसे शादी कर लिए। मैं आपकी बराबरी कभी नहीं कर पाऊँगी, आपकी नज़रों में कभी ऊँचा नहीं उठ पाऊँगी। ठीक, तो गोपीनाथ जो है ना वो चुपचाप सुन रहे थे और ये सारा बात मतलब खूब बोली शारदा गोपीनाथ को कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, इस तरह उस तरह। ठीक, मतलब मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती, आप इतने अच्छे हैं। और उसके बाद से रोने लगी और दोनों एक दूसरे से गले मिल गए और यहीं पर जो है आपकी कहानी ख़त्म होती है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा पूरी कहानी। ये हो गया आप लोग का चैप्टर नंबर 2 कम्प्लीट। कोई भी कन्फ्यूजन इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक करें और चारों तरफ शेयर करें, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।